हेमराज जी मीणा, पहले विधायक रहे, दो बार तीन बार, तीन बार, तीन बार विधायक रहे हैं, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। मेरे बिल्कुल दाहिनी तरफ पंकज जी जोशी, पहले मीडिया के इंचार्ज थे, मीडिया इंचार्ज के नाते इसे अशोक जी शेखावत। आज अपन पंचायत चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है। राजस्थान में कुल 6 जिलों में 200 जिला परिषद की सीटों के, 78 पंचायत समितियों के और कुल 1564 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं भरतपुर जिले में जगह जगह घूम रहा हूं और जिस तरह का वातावरण मैं देख रहा हूं उससे लगता है कि आम जनता इसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान देने के मन से है और उसी आधार मुझे लगता है कि हम 6 जिला परिषदों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा और अधिकांश पंचायत समितियों के ऊपर भी हम लेके आएंगे। हालांकि सरकार पूरी तरह से सत्ता का इस्तेमाल स्थान स्थान पर मतदाताओं को दबाव के आधार पर या फिर अलग प्रकार के प्रलोभनों के आधार पर अपनी तरफ करने का प्रयास कर रही है। इस सरकार को 2.5 साल से ऊपर आधे से समय अधिक समय निकल चुका है और इस सरकार के अब तक के विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र, इनको प्रभावित करने वाले मुद्दों को लेकर के सरकार की जो कमियां हैं उनको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी एक ब्लैक पेपर जारी कर रही है। मैं उनके मुद्दों को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। राजस्थान में वैसे जनरल बात है कि राजस्थान अब जंगल राज बन चुका है। राजस्थान की स्थिति है कि जहाँ पहले कभी मरु प्रदेश कहते थे, अब इस प्रदेश को पूरी तरह से हत्या और बलात्कारियों के जिम्मे छोड़ने वाले राज्य को कहा है। ऐसा राज्य जिसका मुखिया गृह मंत्री भी है और गृह मंत्री के होने के नाते भी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे, लगभग 16 महीने हो गए गिने चुने अवसरों को छोड़कर कभी भी घर से बाहर वो निकले नहीं है और अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से ना वो निर्वहन कर पा रहे हैं ना उनके गृह विभाग के लोग। नीचे देखते हैं ध्यान आता है कि पूरी तरह चौकी और थाने इनकी स्थान स्थान पर नीलामी हुई है। अब एक मुख्यमंत्री नहीं, जहां कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित विधायक हैं वहां उन सब विधानसभा क्षेत्र में हर विधायक मुख्यमंत्री के नाते से काम कर रहा है और उसी तरह प्रभावित करने का काम लोगों कर रहा है, सरकार का बेजबा इस्तेमाल भी करने में काम कर रहा है। किसानों ने इन्होंने एक बात कही थी चुनाव के समय कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ करेंगे और मुझे ध्यान है कि जिन युवराज का नाम ले लेकर के कांग्रेस के लोग थकते नहीं हैं, उन्होंने चुनाव में एक सभा में कहा था 1, 2, 3 दस्तक गिनती बोली थी, दस्तक की गिनती पूरे होते होते हम सब किसानों के संपूर्ण कर्ज को माफ़ करेंगे। लेकिन आज भी किसान पूछ रहा है कि हमारे कर्ज की माफ़ी कब होगी जिसका कांग्रेस ने वादा किया था। किसानों को उन्होंने कहा था कि हम बिजली के बिलों में वृद्धि नहीं करेंगे, बिजली के बिलों में बेताशा वृद्धि हुई है। मैं राजस्थान के पूर्वी अंचल से लगातार पिछले 7-8 दिन से घूम रहा हूँ, एक तरफ बिजली का करंट आ रहा है जोरों से, वो करंट बिजली में आता है, बिजली के तारों में नहीं आ रहा, वहाँ बिजली की कटौती 10-10 घंटे की कटौती चल रही है और मीटर पूरी गति से चल रहा है, इस प्रकोप से निकल रहे हैं। हालत यह है कि उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे। राजस्थान में मोटे तौर पर लगभग 4 लाख युवा है और अभी तक इन्होंने कोई 36,000 युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता देने का कार्य किया, उसको युवा आज भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। किसानों को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय किसान को बिजली के ऊपर 833 रुपये की सब्सिडी दी थी, लगभग 10,000 रुपये प्रति वर्ष की सब्सिडी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी। इस सरकार ने आते ही उस सब्सिडी को बंद करने का काम किया। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 1,000 रुपये प्रतिमाह की सब्सिडी देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो 2 साल का से अधिक समय का घाटा जो किसानों को आपने दिया, क्या इस बैकलॉग की पूरी पूर्ति आप किसान के खाते में डाल करके उसको कोई इस प्रकार की राहत देने वाले हैं क्या? केवल पंचायत चुनाव आ रहे हैं उस समय कुछ बातें करने का जो स्वभाव है, सरकार केवल घोषणाएं करती है, जब हम जमीन के ऊपर कोई भी घोषणा उनकी देखने में नहीं आती। मैं ग्रामीण क्षेत्र में सामान्यतः हाईवे से जब भी निकलते हैं तो सब जगह स्टेट हाईवेज हैं, वहाँ अनुभव आ रहा है पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
2018 के बजट में स्टेट टोल को समाप्त किया था। अशोक गहलोत जी की सरकार ने आते ही पहले बजट में स्टेट टोल को लगाया और लगभग लगभग प्रति दिन का खर्चा एक सब जगहों के ऊपर लगाया, तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आता है, तो लगभग 100-150 रुपए का, लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 3 से 4 हज़ार रुपये का अतिरिक्त खर्चा इस टोल के माध्यम से प्रति व्यक्ति के ऊपर डालने का काम इस सरकार के द्वारा किया है। पेंशन और स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति और पेंशन, ये दो विषय 2013 में जब हम आए थे तब भी लंबित थे, एक बार 18 तक हमने उसको स्ट्रीमलाइन किया था। आज फिर जो पेंशन के फॉर्म्स आ रहे हैं उनकी स्क्रूटनी करके उनको पेंशन को प्रोसेस किया जाए, इस काम को डिले किया जा रहा है और पूरी तरह लंबित रखा गया है। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति जितनी केंद्र सरकार पहले देती थी उस छात्रवृत्ति में कटौती एक तरफ की है, दूसरी तरफ उस छात्रवृत्ति की पुनरावृत्ति भी नहीं की जा रही, उसको समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति और विशेष रूप से ये अनुसूचित जाति जनजाति और MBC की जो छात्रवृत्ति है उन सब छात्रवृत्तियों को इन्होंने इररेगुलर किया है, और आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति जिसको 138 करोड़ का प्रावधान पिछली भाजपा सरकार ने 2018 के बजट में किया था उसको और बढ़ाने के स्थान पर उस पूरे के पूरे आर्थिक जो पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति का पैसा है पूरे को समाप्त करने का काम इस सरकार के द्वारा किया है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रामीण गौरव पथ की शुरुआत की थी, इसके माध्यम से गांवों को अच्छे CC रोड मिलते थे, नालियां मिलती थी और कीचड़ और खाचे के जो रास्ते होते थे, हम सब कहीं ना कहीं ग्रामीण प्रवेश से परिचित हैं, बहुत सारे आए भी हैं, इसलिए हम जानते हैं कीचड़ खाचे से मुक्ति मिली थी और गौरव पथ मिले थे। इस सरकार ने आते ही उस गौरव पथ की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को रोकने का काम किया। स्थान स्थान पर दीनदयाल अपने ग्रामीण क्षेत्र में कैंप लगाने का काम प्रतिवर्ष पिछली भाजपा सरकार ने शुरू किया था, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के किसानों के छोटे छोटे विषय, उनका पट्टा नहीं होगा, नामांतरण नहीं होगा, छोटे छोटे जो नालियों के विषय थे, जोड़ों के विषय थे, कई रास्तों के ऊपर कब्जे के विषय थे, इन सब का समाधान, और ऐसे ध्यान में आया था उस अभियान के दौरान कई ऐसे मामले थे जो दो दो पीढ़ी से लंबित थे, उनका भी समाधान हुआ था। उस ग्रामीण परिवेश के उस अभियान को इस सरकार ने रोका, जिसके कारण से जो एक आराम किसानों को मिल रहा था, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, उससे पूरी तरह से रोक लगी है, उसकी परेशानी फिर वहीं खड़ी है। जल स्वावलंबन योजना, आप सब जानते हैं कि उसको पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू किया था और इस सरकार ने उसको रोका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली थी और कई साइंटिफिकली इस बात को प्रूव हुआ था कि जल स्वावलंबन के कारण से पानी को रोकने का जो हुआ था स्थान स्थान पर, उसको कहीं जहाँ चलते हुए पानी को रोकना जो अभियान चला था, उस अभियान के कारण कुओं में जो पानी था उसके जो गहराई थी कम हुई थी, कुछ जगह जो ड्राई हैंडपम्प हो गए थे उन सूखे हुए हैंडपम्पों के ऊपर भी पानी आने लगा था। इस सरकार ने आते ही उसको भी रोकने का काम किया। मैं इतना कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति को शुद्ध पानी मिले, हर व्यक्ति को घर में नल से जल, इस अभियान की शुरुआत करते हुए जल शक्ति मंत्रालय की शुरुआत की थी और उस अभियान को बढ़ाने का काम किया। राजस्थान में 2019-20 में 1,300 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने जल शक्ति जल से नल अभियान के तहत दिए, उसमें से केवल 995 करोड़ राजस्थान की सरकार ने खर्च किए। 2021 में 2,552 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने दिए, उसमें से मात्र 630 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार ने खर्च किए। 2021-22 में 4 गुना 10,181 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने दिए, जिसका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया, और विशेष रूप से मैं पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूँ तो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में नल से शुद्ध जल इस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1,891 करोड़ रुपए दिए, जिनको अब तक केंद्र सरकार ने उठाया भी नहीं है। मतलब एक तरफ तो केंद्र गांव का आदमी शुद्ध जल के लिए परेशान है और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस शुद्ध जल की व्यवस्था नल से करने की व्यवस्था की, जिसका पैसा भी केंद्र सरकार बहुतायत में दे रही है, उसको भी पूरी तरह से उपयोग करने का काम सरकार ने नहीं किया। मैं चर्चा करूँगा इस बात की कि पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी, जिसमें 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता था। बाद में केंद्र की सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू की, जिसको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था थी। इस सरकार ने आते ही उस योजना को बंद किया, भामाशाह योजना को बंद किया और बाद में आयुष्मान को लागू नहीं किया। नए कलेवर के साथ उस आयुष्मान को चिरंजीवी योजना के नाम से शुरू करने का काम किया,
जिसकी पूरी हवा, हम कह सकते हैं कि कोरोना काल में जब मरीज उस जन कार्ड को लेकर के गया तो अस्पतालों ने उसको रद्दी की टोकरी में डालने किया, उसको जो राहत मिलनी चाहिए थी उसकी राहत नहीं मिली। तो जहाँ भामाशाह योजना को बंद किया, आयुष्मान को लागू नहीं किया, एक तरह से आम आदमी को इस कोरोना की बीमारी और बड़ी बीमारियों के लिए अपने हाल पर छोड़ने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया। विकास पूरी तरह ठप है। आज अगर देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के तो चर्चा आती है, आज से 4 साल पहले 3 साल पहले जो सड़कें बनी हैं, इन 3 सालों में एक भी नई सड़क की शुरुआत नहीं हुई। मैंने गौरवपथ की बात ही है, उनके जितने भी बाकी लिंक रोड्स हैं उनकी बात करें तो कहीं कोई नई सड़क की शुरुआत इस क्षेत्र में नहीं हुई। पिछले जितने अटल के नाते हमने सेवा केंद्र बनाने का काम किया था, उनमें जो भवन बने उसमें सारे इक्विपमेंट्स बनाए, इस सरकार ने नया कोई भी फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम इस पूरे समय में नहीं हुआ। 15 वित्त आयोग के द्वारा जो पैसा था उसकी केवल एक किस्त जारी की है, उसके बाद की जो किस्तें थी वो भी ग्रामीण क्षेत्र में जारी नहीं की। बीच में पहले PDA अकाउंट में डालने का काम किया था, फिर सरपंचों की तरफ से और बाकी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया विधानसभा के अंदर बाद में, तो PDA अकाउंट से निकाल कर डायरेक्ट देने किया, लेकिन एक किस्त देने के बाद दूसरी किस्तें नहीं दे रहे। इसके साथ साथ क्षेत्रीय विकास के नाते से जितनी योजनाएँ, चाहे डांग विकास बोर्ड होगा, मेवात विकास बोर्ड होगा, ऐसे जितने भी विकास बोर्ड हैं, उन विकास बोर्डों के नाते जितना पैसा दिया जाता है उसमें से एक भी पैसे को पिछले 2.5 साल में सरकार ने रिलीज नहीं किया। एक तरह से विकास को पूरी तरह ठप किया है। मैं कह सकता हूँ ये सरकार केवल घोषणाओं की सरकार है, और घोषणा वो जिनको धरातल पर नहीं उतरती। ये सरकार केवल सत्ता को सुख भोगने वाली सरकार है, जिसका दूसरे को किसी में आप उसको एहसास नहीं होता कि उन तक विकास कैसे पहुँचा। ये सरकार सत्ता की लड़ाई की पूरी तरह से सरकार है, जो आपस में संघर्ष कर रही है, लेकिन विकास का विषय नीचे तक पहुँचे, आत्माती को रोक पहुँचे, इससे पूरी तरह विमुख है। और इसका परिणाम मैं स्पष्ट रूप से ज़मीन पर देख पा रहा हूँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और इस सरकार के खिलाफ एक पूरा वातावरण बना हुआ है कि पूरी तरह से सरकार एक तरह से, मैंने जिसको जंगल राज कहा, विकास विरोधी सरकार है, आम जन के विरोधी सरकार है, आम जन की सामान्य चिंताओं के विमुख करने वाली सरकार है। मैं जो इतना कहना था, आपका कोई विषय हो। बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा के अंदर भी और सड़क पे भी इस विषय को लेकर, अभी आपने बहुत सारे आंदोलन छापे हैं लगातार, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इस विषय को लेकर के आंदोलन किया। निश्चित रूप से सारे देश में संसद के अंदर जिस प्रकार का व्यवहार विपक्ष का रहा, एक सामान्य परंपरा संसद की है, लंबे समय से है कि जो नए मंत्री होते हैं उनका परिचय प्रधानमंत्री जी कराते हैं। प्रधानमंत्री जी को इस काम से रोका, न सदस्यों का परिचय नहीं हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकतंत्र में जन सबसे बड़ा है, इसलिए जन के पास जाकर करेंगे। ऐसे जितने भी 43 मंत्री थे वो सब अपने अपने क्षेत्रों में 500 किलोमीटर तक की यात्रा उन्होंने की है, और जबरदस्त समर्थन स्थान स्थान पर सबको मिला है। भूपेंद्र जी के भी यात्रा से भी राजस्थान में आमजन का आशीर्वाद भी मिला, और कार्यकर्ता भी जिन जिन क्षेत्रों से यात्रा निकली है वो पूरी तरह से एक स्फूर्ति के साथ है। ये यात्रा केवल जयपुर में नहीं निकली, मैंने कहा 43 मंत्री निकले हैं, और उन्होंने 500 किलोमीटर प्रति सांसद जितने मंत्री थे उन सब ने किए, और यात्रा केवल राजस्थान हरियाणा में नहीं निकली, देश के प्रत्येक राज्य से मंत्री लगभग हैं, उन सब राज्यों में कुछ स्थानों पर जैसे मीनाक्षी लेखी निकल करके हरियाणा तक जा रही हैं, अनुराग ठाकुर आप चंडीगढ़ से शुरू करके हिमाचल तक जा रहे हैं, ऐसे पूरे कई राज्यों को कवर करते हुए निकले, ये राजस्थान से निकल कर हरियाणा। एक बार शशि का पूरा हो जाए, प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे समय साथ थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे ना यात्रा में पूरे, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका वो नहीं, वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी कार्यक्रम उनका उस दिन का था, उसके बाद कोई सरकारी कार्यक्रम थे उसमें, एक तो वहाँ पर फॉरेस्ट का कार्यक्रम था, उस तरह कार्यक्रम थे,
आखिरी कार्यक्रम अजमेर की सभा थी जो वहाँ जन जवाहर कला रंगमंच पर हुई थी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी में चेहरों की कोई कमी नहीं है और पार्टी सब चेहरों को साथ लेकर चलती है। ये सतत चलता है, भूपेन जी नए नहीं हैं, दूसरी बार राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके, कई लंबे समय से राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं, ऐसे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को समय समय पर दायित्व दिए जाते हैं, उन कार्यक्रमों के कोई संगठन के होते हैं, कुछ आंदोलन के होते हैं, सरकार के होते हैं, उन सब दायित्वों का निर्वहन कार्यकर्ता करता है। मेरी जानकारी में अभी मैं हाइपोथेटिकल प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता, अभी मेरी जानकारी में। एक नहीं, आपने देखा होगा कि अभी केवल भ्रष्टाचार चरम पर है सरकार में, आपने सही याद दिलाया। और उस विषय को लेकर के जो ट्रांसपोर्ट का घोटाले का मामला था, भारतीय जनता पार्टी ने सदन में भी उठाया था और उसको लेकर के आंदोलन भी किया था, उसका मुख्यमंत्री जी को एक फायदा हुआ कि तोते पालने का शौक है उनको, एक तोता पाल लिया, जब चाहते हैं उसे बुलवाते रहते हैं तोते से, इतना एक लाभ हुआ। बाकी ये सरकार, मैंने पहले कहा था, एक दिल्ली से एक टूल किट बना था पहले, जो कांग्रेस ने एक टूल किट बनाया था, इस बार ये एंटी करप्शन ब्यूरो को ये पूरी तरह से अपने किट के रूप में इस्तेमाल कर रही है और जहाँ जरूरत होती है इसका इस्तेमाल करती है, पहले भी किया और अभी हमने देखा है कि जयपुर में, भरतपुर में एक डॉक्टर को सुबह 9 बजे गिरफ्तार किया जाता है, रात को 9 बजे उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि राजस्थान सरकार के एक मंत्री से उनकी रिश्तेदारी है। तो आज ACB अपने सुविधा के हिसाब से और राजस्थान सरकार की सुविधा के हिसाब से एक्ट करती है, उस हिसाब से काम करती है। ये आप खुद तो जानते हैं इस बात को, कुछ क्या सर, मुख्यमंत्री जी ने किसको पाला पिंजरे में बंद किया आपको पता है? मैं कुछ चीजें तो आपके लिए छोड़े ना,